तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मेरी उंगली कटी है तो मेरे पति देव बना रहे हैं खाना। ठीक है, क्या बना रहे हैं आप? बस थोड़ा सा ऐसे वैसे तो मैं बताती हूँ। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। और मेरे ना बहुत ज्यादा वो है, और मैं बनाऊंगी चटनी, बनाऊंगी मैं पुदीने की। अभी मैंने वो भिगोया है, क्या बोलते हैं उसको, ये बना रहे हैं आलू बढ़िया दाल की खिचड़ी। ऐसे तो सब्जी भी बन जानी थी, पर आलू बढ़िया कल बनाए थे तो फिर हमने सोचा कि चलो आज ना सब्जी बना देते हैं। क्यों बनाएंगे खिचड़ी? तो ये खिचड़ी, ये चावल है, ये हो गया खिचड़ी का सिस्टम। ये करती हूँ, मन को डेढ़ कॉल, कितनी कॉल ले रहे? दो कॉलियां ले लो। तो इन उंगलियों से मेरे कुछ भी नहीं होता, मेरे कुछ भी नहीं होता, जिसको कुछ बोलते ना। बहुत ज्यादा तकलीफ है सच में। तो अभी पुदीने की चटनी बनाएंगे। पुदीने की चटनी बहुत अच्छी होती है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। पुदीना हरा और बना देंगे हम एक ही बार में ना, फिर वो काफी चलती रहेगी नहीं तो फिर ये सूख जाएगा। ये देखो, ये पुदीना जी यहाँ पे बहुत सारा। तो अभी मैं पता क्या करूंगी, अब इसको पहले मैं कितनी अच्छी ना खुशबू आ रही है। ये पुदीना, पुदीनी है ये, पुदीना नहीं, पुदीनी है, ऐसा बोल रहे थे। ये चावल, और ये ले ली इन्होंने यहाँ पे चावल। ना ना, ज्यादा नहीं है, नहीं है ज्यादा। तो चलो इनको तो दया आ गई, बच्चे तो अंदर ही बोलते हैं हम नहीं कर सकते कुछ नहीं अभी। तो चलो इसको पहले छांट लेते हैं, तार लेते हैं, धो लेते हैं, इसका भी बहुत काम है करने को। उसके बाद कहीं जाके इसका बनेगा चटनी। ठीक है, ये देखो, बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। कभी देखा था माने मुझ कभी प्यार से, वो भी मिल गई जग संसार से, वो भी मिल गई संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छुप गया, माँ का भी आंचल कहीं छुप गया। क्या बात है भाई, वाह है, छुपे रुस्तम निकले मेरे पति, गाना भी जानते गाना। देखा था माने मुझे प्यार से, वो मिल गई अब संसार से, वो मिल गई अब संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का आंचल कहीं छुप गया, माँ का भी आंचल कहीं छुप गया। वाह, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। वाह, मेरे को भी आ गया साथ, मेरे को आता नहीं था वैसे साथ, मेरे सुनना था वैसे एक बार। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। वाह, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने गाना गा दिया, आंख लाल है ना, हाय कितना बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये गाना। चलो अभी पुदीनों को ना साफ कर लेते हैं। देखो इन्होंने डाल दिया जी इसमें सब कुछ जो भी डालना था, चावल वगैरह सब कुछ डाल दिए। ये हो गई खिचड़ी मिचड़ी, और अब हो गई खिचड़ी मिचड़ी तैयार। लेकिन उनको कितना पसीना पड़ता है, ये देखो। देखा था माने कभी प्यार से, आओ खिचड़ी खा लो तुम लोग। एक मिनट, एक एक लो, और देखो
बना देते हैं कभी कभी बीच बीच में, उतना आराम नहीं है, पूरा वजन नहीं देते अभी इसके ऊपर पर। चलो जो भी देती हूँ ना मैं बना लेती हूँ। मैंने ना वीडियो लगाई है देखो इस तरह से, मैं आज दूसरे फोन में शूट कर रही हूँ, पिक्सल फटे हुए दिखेंगे आपको। तो ये देखो यहाँ पे लगाया 1-1.5 घंटा, एयरटेल में है यहाँ पे रेंज, बाकी और किसी भी उसमें नहीं है, जियो में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एयरटेल की सिम भी डाली इसमें आजकल, हो गया अब तो हो गया। मैं वीडियो का काम कर लेती हूँ पहले, तो उसके बाद जो है फिर ये करूँगी, वीडियो का काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद बनाती हूँ मैं पुदीने की चटनी। बस बड़े मैंने दूसरा हाथों लगाना नहीं, प्याज देखती हूँ, प्याज काटूंगी 1-2 पीस। देखो ये इसमें डाल दिया मैंने पुदीना, और ये डाल दिया अनारदाना जो कि मैंने भिगो रखा था। ये देखो इस साइड इस तरह की हो रखी है, और इसमें मैंने और कुछ डाला, प्याज भी नहीं डाला, ये नमक मिर्च तो मैंने ऐसे ही डाल दी, सॉरी ये प्याज तो मैंने ऐसे डाल दिया दिखावे के लिए, और 2-3 डाल दूंगी मैं इसमें। ऊपर रखा है तेल, और इसमें डाल दी मैंने 2-3 मिर्चें भूनने को, ठीक है। ओ बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, ओ रात भर बसेरा है और सुबह उड़े जाना है, खेल है। तो चलिए ये इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखो पुदीने की चटनी में, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी मिर्ची ना, एक रहने देती हूँ बस। अब इसको ना फिर से पीस लेते हैं, मिर्च पीस गई, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हमने अनारदाना डाला वो ना फिर ज़्यादा खट्टी हो जाती है, बस चीनी डालनी और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। तो चलिए अभी हम डाल देते हैं इसमें, ये देखो चटनी, तो ये बन गई पुदीने की चटनी, ठीक है। ये तो तड़के के लिए हमने यहाँ पे मैंने लिए राई, और ऊपर से लिया है कड़ी पत्ता। चलिए कैसे चढ़ चढ़ कर रहा है, ओ बस कर भाई, ये हो गया। अब इसको डाल देंगे इसमें इस तरह से, ऊपर से डालेंगे, ठीक है। बस बन गई हमारी पुदीने की चटनी, स्वादिष्ट सी। तो ये देखिए खिचड़ी भी हमारी बन चुकी है, और साथ में हमारी पुदीने की चटनी। ये देखो चलिए थोड़ी सी ले लेते हैं चटनी, कड़ी पत्ता भी इसमें डाला हुआ मैंने, तो ये बहुत टेस्टी बनती है, और मिर्च भी ले लेती हूँ मैं, सबको डाल दिए। तो चलिए खा लेते हैं ना, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देखो हमने खाना खा लिया है, खिचड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, और मैंने ना हल्दी और वो लगाया था, ये इस वाली उंगली में तो थोड़े बैठ गया है, बहुत गहरा इसमें भी लगा है, यहाँ से तो बिल्कुल ही निकल गई चमड़ी, इसमें बहुत दर्द है, ये हड्डी के ऊपर है ना ये मुड़ता है उंगली, और ये देखो यहाँ पे इसका तो हालत ही बहुत ज्यादा माड़ी है। मैंने कुछ भी नहीं किया हालांकि इससे, फिर भी
ये हो जाता। लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, थैंक यू सो मच। सबने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, उर्मिला दीदी, रौनक दीदी, अरविंदर दीदी और अपने मलकियत कौर दीदी, अजमेर राजस्थान से भाई नरेंद्र ने कमेंट किया था कि यहाँ बारिश भेज दो, हमारे बारिश नहीं है पिछले 15 दिनों से, तो यहाँ तो कंटिन्यू 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश लगी है, ठीक है। और पता नहीं माता रानी कौन सी परीक्षा ले रही है, देखेंगे उतरेंगे इस परीक्षा में भी, खरे उतरेंगे। और भी बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, संतोष दीदी हैं, मधुरा ठौर आंटी है, और अच्छा एक हमारे नीलम बेटी हुआ करती थी कांगड़ा से, आजकल उनका कमेंट नहीं आता, मैं हमेशा देखती हूँ। और भारती ठाकुर, दूध कहीं और जगह लगाओ, कम से कम अच्छी रेट तो मिलेंगे दीदी। सही बात है बहन, पर यहाँ से ना कहीं और जगह जाने की बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहीं और जगह जा सके यहाँ से, हमारे घर ऐसी जगह पे है, मेन रोड से बहुत ज्यादा दूर, और मार्केट वगैरह भी हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है। और श्रद्धा जी, हमारी तरफ तो पानी नहीं गिर रहा है, गर्मी बहुत है मधु बहन। हाँ जी, लेकिन हमारे नहीं है गर्मी, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। प्रेमदेव शर्मा ने कहा है, मधु जी यू डू वेरी हार्ड वर्क, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड वेल्थ, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू सो मच। और सैमसंग मधु जी अपना ध्यान रखो, जय माता दी, जम्मू से हैं, थैंक यू। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी क्योंकि जो मुझे रोज देखते हैं ना उनका नाम तो बनता है। ये कमेंट है पिछली वीडियो के जो कि मैंने सैलरी वाली डाली थी, दूध की सैलरी। तो दूसरे हैं पहाड़ी ब्लॉग, हाँ पहाड़ी ब्लॉग, आंटी जी आप दूध देते हो, वो कहाँ डालते हैं दूध को, वो आके सेल कर देते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, वो बहुत बड़ी संस्था है काम दिनों की। रिंदर शर्मा ने फिर से लिखा है, ट्रैकलास का इंजेक्शन लगवाया क्या, तो नहीं मैंने नहीं लगवाया, झूठ क्यों बोलूं। और गुंजन शर्मा, रंजोत सिंह, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे इन्होंने, नीतू धनकर, हेमा धूम, भगत राम, प्रीति सिंह, आप बहुत जल्दी काम करते हो प्रीति बोल रही हैं, और थोड़ा धीरे धीरे काम किया करो, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। तो बस आज पिछली वीडियो के यही कमेंट थे जो मैंने सारे रीड कर दिए, इसके बाद आएंगे तो अभी मुझे नहीं पता। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो का अभी एंड करती हूँ, हमने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और बाकी अभी रात को मैं उंगली में बांधूंगी नहीं कुछ, इसको ऐसे ही रखूंगी और एक हाथ से फिर सुबह गाय को दूंगी, बाकी फिर अन्य कर देता है मेरी अलग, ठीक है। जय माता दी, राम राम, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हों और आप सबके सपने पूरे हों, बस मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, राम राम।